अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हैज़ इट्स रूट्स इन द 1950 सेंचुरी एंड 1960 सेंचुरी व्हेन रिसर्चर्स स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद यूजिंग कंप्यूटर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कब स्टार्ट हुई? ये 1950 और 1960 सेंचुरी के दरमियान स्टार्ट हुई, जब रिसर्चर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट जो है कंप्यूटर के थ्रू करने शुरू किए। अपने तालीमी मकासद को पूरा करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए कंप्यूटर में, कंप्यूटर के साथ। तो ये तब स्टार्ट हुई। अर्ली फॉर्म्स ऑफ CAL वर ऑफन डिलीवर्ड थ्रू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जो इसकी इब्तदाई फॉर्म है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जब ये स्टार्ट हुई थी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, तब जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग थी वो कैसे डिलीवर की जाती थी, मतलब मुहैया की जाती थी, कैसे पहुंचाई जाती थी मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू। ये इसकी टाइप है कंप्यूटर की, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एंड वर लिमिटेड इन स्कोप कम्पेयर टू टूडे टेक्नोलॉजी। आज की टेक्नोलॉजी के नस्बत इसका स्कोप तब बहुत ही कम था। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग वो उसका हमने बैकग्राउंड पढ़ा है, तो अब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आल्सो नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब CAL क्या कहलाती है? CAI मतलब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग भी कहलाती है। इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच, एक तालीमी तरीका है दैट यूजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू इन्हांस एंड सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। एक ऐसा तरीका जो कंप्यूटर यूज़ करता है हमारी जो है हमारा नॉलेज में इजाफा करने, ठीक है, या फिर हमारे जो लर्निंग का जो सीखने का अमल है उसको सपोर्ट करने, उसको बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। CAL कैन टेक वेरियस फॉर्म्स फ्रॉम सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स टू सोफिस्टिकेटेड विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट्स। सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स से नफीस और विजुअल लर्निंग माहौल के लिए कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग है वो कई शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसके अज्जा क्या हैं जिनसे मिलकर कंप्लीट होती है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर, द हार्ट ऑफ CAL विच इंक्लूड्स एजुकेशनल कंटेंट, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, असेसमेंट्स एंड ट्रैकिंग फीचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट जिसका कंपोनेंट है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, जिसका हार्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का, जिसमें शामिल होते हैं हमारा तालीमी मवाद जो होता है, हमारा एजुकेशनल कंटेंट होता है, हमारे उसमें इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हमारी उसमें असेसमेंट्स वगैरह होते हैं, क्विज़ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और कई ट्रैकिंग फीचर्स होते हैं। मीन्स की इस पर एक बात होते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चलते हैं, जिस चीज़ को ऐसे जैसे ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी जो खुदकाल हैं तो उनके बारे में कहा गया है सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट है हार्डवेयर। कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइस रिलेटेड फॉर असेस विच कैन वेयर ए फॉर्म डिस्कटॉप कंप्यूटर्स टू टेबलेट्स और स्मार्टफोन्स। अब हार्डवेयर हो तो सॉफ्टवेयर हो गया, कॉन्टेंट हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते ऐसे, मतलब हमारा तालीमी मवाद, हमारे कोई असाइनमेंट सारा कुछ होगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होगा, हमारे डिवाइसेस आएंगे, हमारा मोबाइल आएगा जिसको हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग तक एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे। और ये कंप्यूटर हो सकता है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर से टैबलेट्स और स्मार्टफोन से मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट कनेक्शन। अब जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है वो इंटरनेट कनेक्शन, क्योंकि हमारे पास जब वाईफाई होगा, मोबाइल डाटा होगा, तो हम स्टडी कर पाएंगे। फॉर वेब बेस्ड CAL एंड इंटरनेट कनेक्शन क्रिटिकल फॉर एक्सेसिंग एजुकेशनल कंटेंट एंड रिसोर्सेज। हमारे जो तालीमी मवाद तक पहुँचने के लिए रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करें स्टडी के लिए, उन तक रसाई हासिल करने में सबसे पहले, और वेबसाइट तक रसाई हासिल करने में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। नेक्स्ट है यूज़र इंटरफेस। द डिज़ाइन ऑफ द इंटरफेस शुड बी यूज़र फ्रेंडली टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। मुअस्सर लर्निंग के लिए, अच्छे से सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें जो माहौल होगा वो दस्ताना, मीन्स के इंटरफेस, मीन्स के हमारा जो टीचर और लर्नर का जो है इंट्रक्शन है वो फ्रेंडली होना चाहिए ताकि हम अच्छे से सीख पाएँ। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। फर्स्ट ट्यूटोरियल्स, इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर दैट गाइड्स लर्नर्स थ्रू स्पेसिफिक टॉपिक्स प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस एक्सरसाइजेस एंड असेसमेंट्स। ट्यूटोरियल्स होते हैं पहले इसके टाइप है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की। इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो लर्नर को गाइड करता है, ठीक है,
अपने जो मखसूस टॉपिक होते हैं, जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उनके थ्रू फिर उनको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है, फिर हमारी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिसेस होती हैं, एक्सरसाइजेस होती हैं। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारी असेसमेंट्स होती हैं, मीन्स कि हमसे क्विज लिया जाता है, फिर एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमुलेशंस, फिर लास्ट कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स दैट अलाउज लर्नर्स टू एक्सपेरिमेंट विद कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम्स। अब ये जो है ना रियलिस्टिक है, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है। अब इसमें क्या ये अलाउ करता है लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करें अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, अपने सिस्टम के साथ, सच एज फिजिक्स सिमुलेशन और मेडिकल प्रोसीजर। जैसे मेडिकल का प्रोसीजर होता है, स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं कॉन्सेप्ट, वो याद करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली वैसे करते हैं ये देखने के लिए कि वो सही है या फिर नहीं, अपनी या फिर अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एंड रीइंफोर्स स्किल्स ऑफन यूजिंग अ रिपीटेटिव फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करने में उनकी उनको रीइंफोर्स करते हैं उनकी स्किल्स को। मीन्स के ड्रिल एंड प्रैक्टिस में होता है स्टूडेंट्स बार बार मश करते हैं, उसको दोहराते हैं, उनको रीइंफोर्स होती है उनकी स्किल्स की। रीइंफोर्स होता है किसी हम किसी को मोटिवेट करते हैं, उसके पीछे हम कुछ रख देते हैं। मीन्स कि हम आपको हम इतना इनाम देंगे, अगर आपका इतना ग्रेड आएगा तो टीचर आपको ये प्राइज़ देगा। तो ये होती है मोटिवेशन, नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकती है रीइंफोर्समेंट। आफ्टर यूजिंग अ रिपीटेटिव फॉर्मेट, जिसमें हम उसे ड्रिल अपनी प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद हम उसको रीइंफोर्स देते हैं, कोई कुछ इनाम वगैरह देते हैं। तो इस तरह ये भी उसकी टाइप है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम दैट एडजस्ट द कंटेंट एंड डिफिकल्टी लेवल बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्नर्स प्रोग्रेस। अडैप्टिव क्या होता है, वो सिस्टम है जो हमारा कंटेंट उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, जो हमारे इंडिविजुअल लर्नर्स होते हैं जो उनके प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है, उसको एडजस्ट करता है। जैसे कि नाम से शोर है, इख्तियार, सीखने का इख्तियार, अडॉप्ट ये होता है ना, किसी को मुंतखब करना, किसी को वैसा किसी के अकॉर्डिंग ढल जाना। नेक्स्ट है ऑनलाइन कोर्सेज, फुल फ्लैट कोर्सेज डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट इंक्लूडिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड LMS बेस्ड कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज भी इसकी कोर टाइप होगी, जिसमें क्या होता है, हमें इंटरनेट पर अपना या LMS पर टीचर जो है एजुकेशनल कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन हमारी असेसमेंट होती है, जैसा कि हम कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह सीखते हैं, हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ठीक है, वहाँ से हम अपनी लर्निंग करते हैं। लास्ट में हमारा हमें सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है। तो ये हमारी होगी ऑनलाइन कोर्सेज, ये भी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की एक और टाइप है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मीन्स कि हमें कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट क्रिएटिंग अ डिजिटल डिवाइड। अब इसमें क्या होता है, हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स ना हो, सब स्टूडेंट को कंप्यूटर तक रसाई हासिल ना हो, इंटरनेट तक रसाई हासिल ना हो, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, नॉट ऑल कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग मटीरियल्स आर ऑफ हाई क्वालिटी। हो सकता है कि जो सारा हमारा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का जो एजुकेशनल मवाद है, जो तालीमी मवाद है, वो हाई क्वालिटी का ना हो, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग डिपेंड्स ऑन द कंटेंट्स रेलिवेंस एंड एक्यूरेसी। क्योंकि ये जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि जो उसका मवाद है वो कितना मुताबकत रखता है उस टॉपिक से और कितना सही है। तो हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो या फिर वो रेलिवेंट ना हो टॉपिक से। तो ये भी हमारा सेकंड चैलेंज हो सकता है हमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में। नेक्स्ट है लर्नर मोटिवेशन, सम लर्नर्स में स्ट्रगल विद सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन वाइल लर्निंग इंडिपेंडेंटली। और इसमें क्या होता है, जब कोई स्टूडेंट इंडिविजुअली मीन्स के जब क्लास उसकी नहीं होती, वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, अकेला बैठा पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो खुद को मोटिवेट ना कर पा रहा हो, ठीक है। और कुछ लोग स्टूडेंट कोशिश करते हैं और वाइल जबकि कुछ नहीं करते, जैसे कि क्लास में होता है टीचर लेक्चर दे रहा होता है, जो जैसा लेक्चर होता है स्टूडेंट बाकियों को देखा देखी अपने आप को मोटिवेट करते हैं, दूसरों भी को देख कर मोटिवेटेड होते हैं, उनमें इंकरेजमेंट बढ़ती है। तो हो सकता है इंडिविजुअल तौर पर इंकरेज ना हो रहे हैं और होते भी नहीं हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल इश्यूज़, टेक्निकल ग्लिचेस आर सॉफ्टवेयर कंपेबिलिटी प्रॉब्लम्स कैन डिस्टर्ब द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, जो हमारे लर्निंग के प्रोसेस को मुतासर कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है टीचर ट्रेनिंग, एजुकेटर्स में रिक्वायर ट्रेनिंग टू इफेक्टिवली इंटीग्रेट कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इन टू देयर टीचिंग मैथड।
अब जो फाइव चैलेंज है, फिफ्थ नंबर पर जो चैलेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि हो सकता है हमारे टीचर की ट्रेनिंग ऐसे ना हुई हो कि टीचर को कि स्टूडेंट को ऑनलाइन कैसे बनाए, टीचर को मेथड ना आता हो, टीचर को सॉफ्टवेयर यूज़ ना करना आता, टेक्नोलॉजी ना यूज़ करनी आता, उसको रिसोर्सेज का नाम बताओ। इसलिए कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर को ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेंड, मुस्तकबिल के रुझान। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल टाइम CAL कैन प्रोवाइड इवन मोर पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है AL ChatGPT लाइक, तो ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो ड्राइवर हैं ये बहुत ही हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग में, उनको पर्सनली तौर पर ज़ाती तौर पर और इख्तियारी जो लर्निंग सीखने का जो तजर्बा वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी टॉपिक पढ़ना चाह रहा है वो खुद ही वो वहाँ टाइप करे और खुद ही जो है ना बहुत ही ईजी करके वहाँ से जनरेट कर सकता है बहुत अच्छा ही टॉपिक स्टूडेंट। तो हमारा रुझान जो है वो AL की तरफ बढ़ता जा रहा है आज। नेक्स्ट है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। दीज टेक्नोलॉजीज कैन क्रिएट इमर्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स। अब जो वर्चुअल और ऑगमेंटेड जो रियलिटी है जो हमारे पास ये इनकी हकीकत है, ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं, मीन्स के एक्सप्लोर करने में ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती हैं। वर्चुअल जो रियलिटी है ये क्या होती है, अंडर वाटर एनवायरनमेंट, और जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है ये क्या होती है, जो रियल वर्ल्ड सेटिंग्स हैं वो होती हैं, ठीक है, जो एक्सप्लोर करने में स्टूडेंट बहुत हेल्प कर सकेंगी। नेक्स्ट है मोबाइल लर्निंग विद द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, मोबाइल कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर। अब थर्ड जो इसका फ्यूचर ट्रेंड है वो ये कि मोबाइल लर्निंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि मोबाइल का यूजेज इतना हो गया, ई फोन जो स्मार्टफोन है वो इतनी तेज़ी से उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है कि सारी लर्निंग जो हमारी मोबाइल से ही होती है। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जो है ना बहुत ही बढ़ती जा रही है, बहुत ही जो मशहूर हो गई है, बहुत ही फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई है। नेक्स्ट ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल्स, द यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन फॉर क्रेडेंशियलिंग एंड सर्टिफिकेशन इन CAL इज़ गेनिंग ट्रैक्शन। अब क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, क्रेडेंशियल्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड अगेंस्ट द ब्लॉकचेन टू डिस्कवर अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रोटेक्शन। तो ये हमारे क्रेडेंशियल हो गए। अब ये जो ट्रैक्शन है ये है द थिंग्स विद डू यू वांट विद इंटेंट, मीन्स का सर्टिफिकेशन पे CAL में जो है ना इसका ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन द एक्शन दैट पुल टूवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू। नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है, हमारे चैलेंजेस भी हो गए, हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स भी हो गए। अब हम आते हैं एडवांटेजेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी, लर्नर्स कैन असेस मटेरियल एट देयर ऑन पेस एंड कन्वीनियंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें कोई सख्ती नहीं है, ठीक है, जैसे जब स्टूडेंट चाहे और जितना हो चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ता है आसानी के साथ, ठीक है, इसमें जो है ना लर्निंग होती है स्टूडेंट की। नेक्स्ट पर्सनलाइजेशन, अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम्स कैन टेलर कंटेंट टू इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रोग्रेस। अब इसमें जो अडेप्टिव जो लर्निंग होती है CLA में, इसमें क्या होता है जो इंडिविजुअल है, और जो अडेप्टिव लर्निंग सिस्टम है वो लर्नर को सीखने के लिए इस मवाद को इंफरादी भी बना सकते हैं, मीन्स के स्टूडेंट की इंफरादी तौर पर ज़रूरियात पूरी होती है वो तरक्की करते हैं। नेक्स्ट डेटा एनालिटिक्स, इंस्टीट्यूशन कैन टू गैदर डेटा ऑन लर्नर परफॉर्मेंस टू इंस्ट्रक्शन। तो इसका एक फायदा ये होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, वो जो लर्नर होते हैं उनका डेटा इकट्ठा करता है स्टूडेंट की कारकर्दगी पर, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो इंस्ट्रक्शन होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।